ओम शांति। 27 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी कार नहीं आता है, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। सेकंड पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है। झुटका नहीं खाना है। झुटका नहीं खाना है। आज की मुरली का वरदान है, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्लेषण है, आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो, चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक। सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है।
आज की मुरली का स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।